रक्षाबंधन में इस बार है भद्रा का साया। इस काल में राखी बांधना माना जाता है बेहद अशुभ। आइए जान लेते हैं कौन है भद्रा। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। तो आपके जहन में भी ये सवाल उठेगा कि ये भद्रा आखिर है कौन? तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा को सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन कहा जाता है। स्वभाव में भद्रा शनि देव की तरह ही गुस्सैल हैं। भद्रा का स्वरूप भी भयंकर और विकराल है। दरअसल जन्म लेने के साथ ही वो मंगल कार्यों में बाधा डालने लगी थी और यज्ञों को नष्ट करने लगी। भद्रा के स्वभाव के कारण देवताओं ने उससे विवाह करने पर मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा के स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए भद्रा को पंचांग के विशिष्ट समय का एक भाग दिया। भद्रा काल में किए गए कार्य में अनहोनी की संभावना होती है, इसलिए भद्रा काल में मुंडन, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्यक्रम समेत कई मांगलिक कार्य